यार ये क्या शेद डाला क्या हुआ है डाला क्या है ये? ऐसा लग रहा है कुछ चीज मिस डाल दियो। जबरदस्त। सर आपने ट्विक्स चॉकलेट का नाम सुना है क्या? ट्विक्स चॉकलेट तो पहली बार सुना है। तो खैर ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। वैसे चॉकलेट, वैसे हमारे यहाँ तो वो छोटी चॉकलेट जो टॉफी भी कहते हैं चॉकलेट, वो मिलती है। या एक दफा आपने इसी चैनल पर इसी टेबल पर डेरी मिल्क खिलाई थी, बहुत ही जबरदस्त। हाँ डेरी मिल्क, लेकिन वो पता नहीं कौन से मुल्क की थी तो पता नहीं है। सर आज हम ट्विक्स चॉकलेट आपको खिलाएंगे, ये है यूके की। अच्छा यूके की, तो जबरदस्त जबरदस्त होगी टेस्ट। ट्राई करते हैं। वैसे यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने साबुन दे दिया हो। इतना बड़ा पैकेट बना के तो सख्त भी हो अंदर। देख सकते हैं, खोल कर देखते हैं कि भाई इसमें, लेकिन इसमें तो यार ऐसा लग रहा है जैसे दो दो में ट्विस्ट। यार देखने में तो वैसा खूबसूरत है, मेरे ख्याल खाने में भी इतनी लजीज होगी जितनी वो खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है इसकी। ऐसा लगता है कि दूध मक्खन और ये सारी चीज़ें मिला कर डाली गई। वाकई दिखने में तो बड़ी ज़बरदस्त होते हैं। वो इसके तो अंदर भी कुछ है यार। यार ये क्या शेद डाला हुआ है क्या? ये ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ मिस डाल दियो। ज़बरदस्त। मेरा ख्याल शेद ही डाली हुई है, और लेकिन साथ में मेरा ख्याल बिस्किट भी है। यार ये चॉकलेट तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त, एक नायाब चॉकलेट होगी हमारे लिए तो। ये तो मतलब डबल जायका है इसमें, शेद भी, बिस्किट भी और चॉकलेट भी। मज़ा आ गया भाई, वाकई बहुत ही ज़बरदस्त। ये याद रहेगा चॉकलेट खाना। वाकई ये जो ना बिल्कुल अलग ही चॉकलेट है। ये देखें बिस्कुट भी है और मेरे ख्याल में उसमें शेद का मवाद भरा हुआ है। यानी समझ नहीं आ रहा है कौन सी चीज डाली, शेद है क्या है इसी रबड़ की तरह? कोई ना कोई तो चीज होगी, यानी कि मतलब यूके की है तो फिर शेद ही लग रही है। अच्छा कैरेमेल। वैसे हमारे यहाँ जो है ना मीठे में मिठाइयाँ मिलती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन ये तो मिठाई से भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी इसमें तो काफ़ी सारा जायका, यानी मिठाई का भी टेस्ट आ रहा है, चॉकलेट का भी आ रहा है, शहद का भी आ रहा है। मतलब सारी चीज़ें एक ही में डाल दी। हाँ ना, और इस तरह जैसे हमारे यहाँ मतलब मिठाई में बर्फ़ी वगैरह होती है, उस पर खोपरा वगैरह लगा होता है, वो खोया भी डालते हैं। मतलब उसमें मिठाई में ये कि एक एक चीज़ में अलग अलग टेस्ट, लेकिन ये तो एक ही चीज़ में सारे टेस्ट डाल दिए उन्होंने। यार हमने बहुत सी चॉकलेटें खाई, लेकिन ये बाहर की जो चॉकलेट है ना वो तो बहुत ही मुनफरद है भाई। मैं तो अपने नाज़रीन से यही कहूँगा कि अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी चॉकलेट वगैरह या खाने की चीज़ें तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मतलब ऐसी अच्छी अच्छी हों जिस तरह की ये मज़े की है। हाँ ना, ताकि मज़े ले लेकर ट्राई करें। मैं इसको ख़त्म करना है ऐसे। यानी कि अगर ऐसी चॉकलेट हम गांव में तो खैर नहीं खा सकते, क्योंकि गांव में हमारे वहाँ तो फ्रिज वगैरह का सिस्टम है नहीं जो मतलब ले जाए, गर्मी में तो पिघल ही जाएगी। लेकिन ये कि शहर की हद तक सही है, कभी शहर आना हुआ तो ज़रूर ये खाया करें। चलो आज की हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।